खास रहे थे, छींक रहे थे, अभी और आइसक्रीम मिलेंगे। अभी मेरी बारी है छींकने की, क्योंकि मेरे को भी जुकाम हो गया, लेकिन फिर भी मैं लूंगी आइसक्रीम। हाँ ना, ले लो, चलो। कहाँ है तेरी माँ? हाँ, मम्मी रेडी हो रही है, मैं भी चेंज कर रही हूँ। लगता है ना ये सब मिलके ना अभी सुपरमार्केट में जा रहे, तो मेरे को भी है ना सुमड़े में इनके पीछे जाना पड़ेगा। ये देखो मैंने दीवार पे कैसा कलाकारी करके रखी। मेरे पास एक कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, और ये जो इतने सारे कपड़े, ये मैंने पहने हुए कपड़े है, तुम उनको नहीं पहनने है। हर लड़की का सपना होता है कि एक बार अगर वो एक कपड़ा पहन ले ना, उसके बाद में वो ना पहने, लेकिन ऐसे कुछ होता ही नहीं है। अब क्या पहनूं मैं इसमें से? कोई भी ड्रेस पहन लेना, कितने अच्छे ड्रेस है। नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं, मेरे को नए कपड़े दिलाओ। कहाँ पहनूं आप बताओ, तो मेरे को एक आइडिया तो दो क्या पहनना चाहिए। ये सिर्फ इतने सारे कपड़े दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें एक भी कोई काम का नहीं है। ये देखो, ये है, ये भी एक बहुत पुराना हो गया, और ये व्हाइट वाला है। मुझे कलरफुल कपड़े चाहिए। कहीं ये सब मिलके सुपरमार्केट चले तो नहीं गए मेरे को इधर ऐसे अकेला छोड़ के? कोई दिख रहा नहीं है इधर घर के अंदर। ये ले, टॉप पहन ले, कितने दिन हो गए ना नहीं पहना। ठीक है, दो, मैं अभी आई तैयार होके। तो मैं भी है ना अभी तैयार होके सुपरमार्केट में जा रहा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आता ना क्या शॉपिंग करने की, क्या करने का। तो इनके साथ में कोई एक बड़ा भी तो होना चाहिए ना शॉपिंग करते जाते टाइम पे, इसलिए ना मैं ना एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के जा रहा मैं। दिमाग लगा के ना ये बॉटल के अंदर दूध गरम रहना चाहिए,
इसलिए मैं उसको सॉक्स पहना दिया सॉक्स। देखा आप सबने मेरी मम्मी कितना सज धज के इतना रेडी होके चल रही है ग्रोसरी शॉपिंग करने। मम्मी इधर देखो, रुक जा ची, मेरे को आने दे अंदर। सर ज्यादा खुश अगर कोई होगा वो है ची और मैं, है ना ची? और हाँ, इस बार हम लोग वेकेशन पे जाने वाले हैं ना, तो मैं बहुत सारे फेस वॉश और स्किन केयर का जो जो सामान होता है ना वो सब भी लेने वाली हूँ। चलेगा मम्मी? चलेगा, पर छोटे वाले लेना पाउच। हाँ हाँ, छोटे छोटे पाउच ही लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लेने हैं ना। पापा वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि आप है ना इतनी स्लो गाड़ी क्यों चला रहे? नहीं हो रहा तो मैं चला था गाड़ी। अभी देखो साइड से ना अपने वो दो छोटे बच्चे ना रेंगते हुए ना अपने गाड़ी के आगे चले गए। ओ ओ पुलिस वाले मामा, हमारे पापा को भी ना इसे साइड में लो, क्योंकि हमारे पापा भी है ना इसे दो के स्पीड से गाड़ी चला रहे, दो के स्पीड से। पापा थोड़ा एक्सीलेटर के ऊपर खड़े हो जा, और ओ पुलिस वाले लो इनको साइड में। पापा एक्सीलेटर के ऊपर खड़े हुए, तीन की स्पीड करो। अगर अपन ना इतने स्पीड से जाएंगे ना तो अपन सुपरमार्केट है ना कल पहुंचेंगे, कल। आ गए हम लोग सुपरमार्केट। देखो ये रहा सुपरमार्केट, अभी अंदर जाके ना बहुत सारी चीजें लेनी है। चलो चलो पलट, ये रही हमारी ट्रॉली, इसको पहले बिठा दो ट्रॉली में। बैठ जा चीतू ट्रॉली में। मैंने ना पापा को कितने बार बोला कि ये ट्रॉली अपने को ना घर पे लेके जाने की, लेकिन ना पापा सुनते ही नहीं। ये ट्रॉली अपने को लेके जाने की पापा घर पे। बैठ गया आराम से। चलो हाँ, दो ट्रॉली तो मैंने पहले ही ले ली, क्योंकि यार बाद में कौन आएगा ट्रॉली लेने के लिए। इतने दो फुल हो जाने के बाद में और एक ट्रॉली लेंगे। रख दो उधर। पापा खाना खाते टाइम पे ना तो अभी क्या है ना, अभी मम्मी बस मुझे बताएगी कि कौन सी दाल लेनी है, मैं जल्दी जल्दी डाल देती हूँ। कौन सी वाली लेनी? हाँ ये पापड़ वाली डाल लेना। उड़द की दाल दो ले लूँ? और दो पैकेट। पापा वो पापड़ बाद में ले लेंगे ना। तुम्हारा लो, मैं ले रहा मेरे लिए तूर दाल। हाँ वो भी लेनी है। देखो किचन के आइटम का मुझे इतना कुछ पता नहीं, इसलिए मैं मम्मी से पूछ पूछ के ले रही हूँ। हाँ ये लो, ये शेंगदाने में डाल देती हूँ। आप बस दिखाओ मुझे कौन सी चीजें लेनी है, क्योंकि फिर यार क्या है ना, मैं ग्रोसरी का सामान नहीं दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया, तो आप सब लोग पूछते हो। मैं लेज ले लूँ क्या? अभी नहीं, सबसे लास्ट। ठीक है हो गया। लेज मतलब फिर कौन सा वाला लेना चाहिए? पापा का बस चले खाने का सामान लेने का, तो लेज ले रहा। हवा लेते क्या? हवा नहीं, उसमें चिप्स है। बस एक बार ये ग्रोसरी का हो जाए, फिर उसके बाद में मैं अपनी सारी चीजें ले सकती हूँ ना। ठीक है, चाय पाउडर। चाय पाउडर, मम्मी बहुत बड़ी चाय लवर है, इतनी गर्मियों में भी मम्मी चाय पी सकती है। पापा इधर देखो, यहाँ पे कितने सारे मसाले। ये देखो ये कौन सा मसाला है? ये देखो ये कौन सा मसाला है? अरे ये तो वो मतलब नहीं लेना, मैं तो बस दिखा रही थी आपको। ये देखो ये मसाला ले रहे हैं पापा। जम रहा नहीं क्या आपको? तेरा देख। कश्मीरी लाल लेना है तो लील तो लिया मम्मी ने पहले तो, लेकिन वो हर सब्जी में नहीं डालते उसको। यहाँ पे मेरी फेवरेट चीज है, ये देखो न्यूट्रेला, मुझे बहुत पसंद है यार। मुझे लेना है ये, दू क्या? नहीं जाने दो, नहीं लेना। वेज। हाँ वेज। वेज ले रहा मैं। तेरे को क्या लगा क्या ले रहा मैं? नहीं मैं देख रही थी यहाँ पे बहुत सारे मसाले हैं ना। ये दिख रहा ना यहाँ पे, ये वेज? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो मैं वेज ले रहा। तो ले लो, क्या बोले हम पापा को? मैं ना रेड चिली सॉस लेना था, क्योंकि मैं नूडल्स वगैरह बनाती हूँ ना, उसमें ये काम आता है, मेरे को यही पसंद है। ये लो तो पापा। यार घर की मैगी इतने दिनों से खत्म हो गई थी ना, मैंने सोचा ही कि हम कब जाएंगे सुपरमार्केट ताकि मैं बहुत सारी मैगी ले सकूं। ये एक, ये दो, ये तीन, ये
उसको सब मैगी उधर होना, तो डाल दो ना उसमें। बताओ आपको मैगी पसंद है या आपको ये पे पसंद है? मेरे को तो मैगी बहुत पसंद है। पापा पापा मम्मी को देखो। अरे कपड़े गांव के कपड़े धोने के लिए ले रही है? तो इतना हर बार लगता ना और लेकर। तो जब हम तुझको पाते गोरी तेरे को शॉपिंग तो हम ही कराते, ट्रॉली में तुझको बैठाते ढेर सारी शॉपिंग कराते। ये मेरा सेक्शन डायपर का, लेकिन अभी तक है ना इसके ऊपर है ना वो अंग्रेज के बच्चों के फोटो है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर भी अंग्रेज के बच्चे का फोटो, उधर भी अंग्रेज के बच्चे का फोटो है। लेकिन इंडिया के बच्चे डायपर पहनते तो उनका फोटो लगाने का मांगता है ना, जो डायपर पहनेगा उसका फोटो लगाने का डायपर के ऊपर। आई वांट टू टेल ऑल अंग्रेज कंपनी, सेल योर डायपर विद इंडियन बच्चों का फोटो ऑन द डायपर पैकेट इन इंग्लिश। ये कौन सा लेने का बताया तूने? ये वाला लगता है चीको मैनी पोको पैंट। पापा डू यू रियली वांट मी टू टेक दिस डायपर विद अंग्रेज के बच्चे का फोटो ऑन डायपर? क्या ये रस्सी? मैंने बोला था रस्सी लेने के लिए। अच्छा, क्योंकि जो भी पार्सल आता ना तो इसको है ना ऊपर बालकनी में ना एक टोकरी टांगने की और ना बालकनी से रस्सी नीचे छोड़ने की और पार्सल ऊपर खींचने का, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं। वाह पापा क्या बात है, ये तो बहुत यूजफुल चीज है फिर तो। अरे फिर अपार्टमेंट में सब ऐसे करते, जिनके अपार्टमेंट ऊपर हाइट पे रहते ना, ऐसे रस्सी से ना ऐसे छोटी सी टोकरी ऐसे नीचे छोड़ते, उसके अंदर पार्सल वाला पार्सल डाल देता और उसका मोबाइल भी रख देता ताकि QR कोड स्कैन कर सके, और ऊपर उसको उठा लेते और स्कैन करके पेमेंट करके उसका मोबाइल वापस नीचे। वाह वाह क्या बात है। अरे अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं की शॉपिंग अपन ने, तुम्हारे दोनों ट्रॉलियां भर गए। ट्रॉली छोटी है ना पापा। तुम्हारी शॉपिंग बड़ी नहीं है क्या? हाँ वो भी है। देखो मैं कहाँ पे आई हूँ ये लेने के लिए, और हमेशा की तरह मैं लड़कियों को बोलूंगी कि ये चीज लेने के लिए कभी नहीं शर्माना चाहिए यार, है ना? क्योंकि है ना ये लड़कियों के लाइफ का एक पार्ट ही होता है, तो इसीलिए ना इसको लेने के लिए कभी शर्माना नहीं चाहिए, एकदम बिंदास ले लेना चाहिए। तो अभी हम लोग है ना ट्रिप पे जाने वाले, तो वहाँ पे शैम्पू और कंडीशनर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि क्या है हम है ना उत्तराखंड के साइड में जाने वाले, तो वहाँ पे वेदर कैसे होगा, ठंडा होगा गर्म होगा हमको पता नहीं है, तो हमको शैम्पू कंडीशनर सनस्क्रीन फिर क्रीम वगैरह सब लेके जाना चाहिए, इसलिए मैं शैम्पू कंडीशनर ले रही हूँ। साल भर के शैम्पू लिए नहीं, अभी हम ट्रिप पे जाने वाले तो लगता है पापा साल भर जाने वाले का, जितने शैम्पू उतने कंडीशनर। हाँ ये देखो ये मैंने क्या लिया है, हेटर्स का मुंह बंद करने के लिए। कावे लाइंस अपने ग्रुप में ना रखा करो, ये से हेटर्स का मुंह बंद करने से। हेटर्स नहीं तो ऐसे हो जाएगा आपका, समझे ना? जी मुझे है ना परफ्यूम लेना था, दिखा। हाँ ट्रैवल में ये काम आएगा ना वेट वाइप्स। ये वाला ले लो। हाँ मैं क्या बोल रही थी, मुझे है ना परफ्यूम लेना है, कौन सा वाला परफ्यूम लूँ यार, एक मिनट। हाँ लास्ट टाइम मैंने ये वाला परफ्यूम लिया था। मम्मी कौन सा वाला परफ्यूम लूँ आप बताओ तो, फ्रेग्रेंस तो सभी की अच्छी आ रही है। देखो ये जो फिश वॉश है ना छोटे छोटे वाले ही ले रही हूँ मैं इस बार, ये देखो, क्योंकि है ना ये ट्रैवल में अच्छे से पॉकेट में बैठ जाएंगे ना, तो ऊपर ही रहेगा फिर फेस वॉश, तो अच्छे से हम फेस वॉश कर सकेंगे। रखने दे मैं कोई साइड, और क्या बाकी रह गया यार, फेस वॉश ले लिया। हाँ एक मिनट रुको मैं देखती हूँ उधर एक बार जाके क्रीम वगैरह, वैसे तो सनस्क्रीन है मेरे पास और मॉइस्चराइज़र भी है मेरे पास, क्योंकि वो हमने पहले ही ले लिया था ना। क्या ले रहे हो लेकिन ये? अच्छा ये मिठाई वाला, मतलब ये खीर में भी डाल सकते हैं ना? कंडल्स में। अच्छा कंडल्स मिल गया, ये तो ये बड़ा वाला ले लो ना, काम आएगा नहीं, क्योंकि मुझे मम्मी की खीर बहुत पसंद है यार। छोटे वाले हाँ सब ले ले तू, पापा कहाँ गायब हो गए? मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। पापा तुमको ये गाना समझाएगा, मतलब है ना प्रभु श्री राम आए।
ये रहा चिकू का पीडियाश्योर। अभी चिकू बड़ा हो रहा है ना, तो इसलिए हम उसको है ना पीडियाश्योर वाला दूध पिलाते हैं, है ना मम्मी। चिकू ये ले, ये तेरे काम की चीज है। दीदी तुमको ऐसे लगता कि ना ये मेरे काम की चीज है? हमारे पापा को देखो, हमारे पापा ने थोड़ी ना ऐसे कुछ प्रोटीन बीटीन पिए वाला है बचपन में, तो हमारे पापा भी ऐसे स्ट्रांग हुए ना। मैं तुमको थोड़ी देर में बताता कि ना मैं क्या खा के मैं स्ट्रांग बने वाला है। स्ट्रांग मैं तो है ना, चौकोस भी कुछ भी नहीं खाता। कोई भी बच्चों ने ऐसे चौकोस भी कुछ नहीं खाने चाहिए। कौन सा जूस लेने मम्मी बताओ? मैंगो का ले। हाँ लस्सी। हाँ ठीक है चलेगा, अभी मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। ये बस दो फ्रूटी ले लेनी है फिर हो गया। ये लो आइसक्रीम अभी लेना बाकी है, रुको जरा सब्र करो। हाँ हाँ आइसक्रीम लेनी है फिर हो गया। दही भी ले ले। हाँ ये लो। कभी तो मेरे को थाली में दिखता नहीं दही मेरे। हाँ लेके करते क्या दही को और दही बनाते क्या? हाँ कौन से ले रही? इतने सारे ले लूँ मस्त मजा ही आ जाएगा। चिकू बेबी है ना ये सब है ना ऐसे ठंडा बिंडा ऐसे ये पीता नहीं है, चिकू बेबी को पसंद नहीं है। अभी थोड़ी देर में तुमको मैं बताता मेरे को क्या पसंद है, मैं क्या खाता मैं। अरे ये एक एक ले एक। अरे पूछूंगे सब लेने के उसको। हाँ ये ले पूरे ले। चिकू ठीक है? मुंह कैसे हो गया उसका? हाँ फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम अभी लेना बाकी है, रुको पापा। ये वाला ये अलग है थोड़ा सा इसका टेस्ट। हाँ सो ये देखो ये मम्मी ने ना ट्रैवल में खाने के लिए काजू, फिर ये क्या है शिंगदाने ये सब लिए है। हाँ ये भी ले लो ट्रैवल में खाने के लिए, अच्छा है ना। मम्मी आपका फेमस डायलॉग बोलो ना पापा को चावल पसंद करने। पापा मम्मी देखो क्या बोल रही है, 1 2 3 चावल पसंद करने हैं। करो ना पापा चावल पसंद। ऐसा करो ते तुम की जैसे का लड़की पसंद कर लेगी। कौन से चावल पसंद किया आपने? बिरयानी राइस। हाँ ये देखो ये बिरयानी राइस पसंद की है पापा ने। यार देखो ना मेरा बैड लक, यहाँ पे आइसक्रीम ही नहीं है, ये सिर्फ कोन और चोकोबार ही है। ये अभी खाने के लिए ना ये कोन लिए 3 और बाकी के है ना सारे चोकोबार लिए घर पे खाने के लिए। और ये मैंगो वाला भी एक फ्लेवर ले लेती हूँ मैं। यार आइसक्रीम देखती हूँ मैं ना सिर्फ पागल हो जाती हूँ आइसक्रीम के लिए। इतना ठीक है ना, ये तो कम ही है, ये 2 दिन ही चलेगा बस स्टॉक। मैंने तो है ना ये कैडबरी है ना बहुत ज्यादा लिए थे 5, लेकिन ये ना 3 तक हो गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। और ये देखो ये अंडे, लास्ट टाइम मैंने ना इसको सब फोड़ के देखा था, इसमें से एक भी मुर्गी का बच्चा बाहर नहीं निकला। मैं ना सब अभी ये ना अंडे फोड़ के फिर से देखूंगा मैं इसमें से कोई मुर्गी का बच्चा बाहर आ गया। इसको मैं अभी ना सुमड़ी में ना फेंक के देखूंगा, कोई देख रहा तो नहीं है ना मेरे पास में। तो अभी मैंने इसको क्या करता नीचे ऐसा फेंक डालता और फिर देखता अरे पापा गिर गया। चलो वो अंडा है ना नीचे गिर गया पापा, इससे पहले कि कोई अपने को देखे सुमड़ी में निकल ले जाए। क्या ले रहे हो आप ट्रैवल में खाने के लिए? तो अभी जो शॉपिंग हो रही है ट्रैवल वगैरह में जो बोल रही हूँ ना, तो ये जो शॉपिंग है ये सिर्फ स्पेशली ट्रैवल के लिए हो रही है। ये जो पॉपकॉर्न है ना मैं ये भी ले लूंगी, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मैं कभी कभार ही खाती हूँ लेकिन इसका टेस्ट बढ़िया है। अभी मैं तुमको दिखा था कि मैं क्या क्या खाता, मेरे को ना ऐसे ये पिस्ता पता दे वो पिस्ता दे मेरे को। हाँ ये ऐसा छिलका नहीं भी निकाले ना तो भी मैं उसको खा लेता, उसको मैं चबा चबा के छिलके के साथ में खा लूंगा। पापा ये कैडबरी लो, ये मेरे को पसंद नहीं, मैं ना पिस्ता खाता पिस्ता। तुमने यह सोचा चीकू बेबी कैडबरी के लिए जिद कर रहा, लेकिन नहीं मैं ना पिस्ता काजू बादाम और शेंगदाना बिंगदाना खाता मैं। अरे पापा मैं कहाँ से उसको थूकू, मैं वो छिलके के साथ में पूरा पिस्ता खा गया मैं चबा के। पापा इधर अभी खड़े रहेंगे ना ऐसे, तो जब तक खड़े रहेंगे ना वैसे ये पिस्ता काजू खाते रहूंगा तो खत्म हो जाएंगे पूरे, इसलिए पापा थोड़े से लो और चलो यहाँ से। जी ये खाता क्या? क्या है वो? अखरोट। अखरोट खाता? हाँ तो पापा ये क्या कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं वो खाता ना मैं कड़वा वाला अखरोट खाता मैं,
स्ट्रेस का और चिकू बेबी ने खा लिया उसको। अभी तुम लोगों को समझा गया कि चिकू बेबी है ना ऐसे आइसक्रीम चिप्स और चॉकलेट नहीं खाते बैठता, ये ना काजू बादाम पिस्ता अखरोट शेंगदाना खाता चिकू बेबी, इसलिए स्ट्रांग स्ट्रांग। मम्मा मैं कोई खाकरा लेना है, मैंने ना जेठालाल को देखा था खाकरा खाते हुए एक एपिसोड में, तो मेरे को भी लेना है। अभी है ना चिकू बेबी को हम अंजीर टेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि है ना पापा ने बोला ना जो जो वो खाएगा वो हम सब लेंगे, टेस्ट करके देख। नहीं अंजीर नहीं खाएंगे। खाके तो देख एक बार, अखरोट पसंद आया उसको। पापा मेरे को किंडर जॉय लेना है। अच्छा किंडर जॉय लेने का क्या? कौन सा? पिंक कलर का, लड़कियों का उधर से है। इसमें बारबी डॉल निकलनी चाहिए। अच्छा पिंक वाला, पिंक पसंद है देखो। ये देना मेरे को देखने दे। अभी इन्होंने ना ये लड़कियों के लिए ना ऐसे पिंक कलर का अंडा भी निकाला है, पिंक कलर का। अब इसको मैं घर पे जाके फोड़ के देखूंगा। देख रहे हो कितना हुआ है? हो गया मेरा। देना मेरे को, देना मेरा है ना वो किंडर जॉय। दे दो उसको। नहीं मेरा है वो, पापा ने मेरे लिए लिया है वो, मैं नहीं दूंगी उसको। नहीं नहीं सॉरी बच्चे। पापा मैं क्या बोल रहा था, अभी अपने को ना अभी है ना कोई देख रेला नहीं है इधर, तो है ना मेरे को खींच के लेके चलो और मेरे साथ साथ है ना ये ट्रॉली को भी खींच के लेके चलो। ये ट्रॉली अपन घर पे लेके जाएंगे और ये ट्रॉली थैंक यू। हाँ दे, वो देखो कैसे बना रहे हो। ये देखो नाम में, वो देखो कैसे बनाएंगे उनको। चीकू बेबी का बना रहे अभी। तो ये थी हमारे इस महीने की सुपर मार्केट की शॉपिंग एंड वेकेशन टूर की शॉपिंग। देखो ये गिफ्ट मेरे लिए, थैंक यू। चलो कितना सारा सामान हो गया। हाँ ना कितना, एक दो तीन चार। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे फैमिली वैकेशन के लिए। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय टाटा और कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने चैनल पे 90% गर्ल्स ऑडियंस हो चुकी है।